बदन दर्द का मानसिक कनेक्शन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य हूं। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। स्ट्रेस जब होता है, तनाव होता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट अपने बॉडी के ऊपर होता है। स्ट्रेस, प्रेशर, तनाव आना, बहुत ज़्यादा सोच आना, इससे सिर दर्द होता है, फिर गर्दन दर्द होती है, दोनों कंधों के बीच में दर्द होता है, कंधे में दर्द, हाथों में दर्द, पूरे बॉडी में दर्द, पीठ में दर्द होता है, मसल्स जो है अपने स्नायु ऐसे अकड़ जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। जब स्ट्रेस होता है तो ऐसे टाइट हो जाएंगे, और जब ज़्यादा समय तक टाइट रहेंगे तो उसके बाद में दर्द करना शुरू कर देते हैं। मैंने मेरे स्टूडेंट लाइफ में एक रिसर्च किया था जिसमें कुछ महिलाएं जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, ऐसे कुछ समाज है कि जिनकी महिलाओं को बाहर जाना अलाउड नहीं है या बाहर जाती नहीं है, घर में रहो, खाना पकाओ, बच्चों को बड़ा करो, फिर खाना खाओ, फिर बच्चों को बड़ा करो, फिर सो जाओ, ऐसा दिनचर्या है जिनको बाहर जाने का मौका ही मिलता नहीं है, जिनको बाहर लेके जाते नहीं है। तो ऐसे ऊपर मैंने रिसर्च किया, मालूम पड़ा कि इनको बहुत दर्द हो रहा था उनके पीठ में, उनके कमर में, उनके कंधों में, और वो महिलाएं साइकेट्री ओपीडी में आ रही थी, वहाँ रेफर की गई कि इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब चेकअप कर लिया और फिर साइकेट्री में मनोविकार के विभाग में इनको भेज दिया गया। तो वे कुछ मिल नहीं रहा है, इनकी बीमारी तो है, दर्द तो हो रहा है, मालूम पड़ा कि इनको जैसा ऑप्रेस्ड किया गया, मतलब दबोच दिया गया, उनको बाहर जाने का मौका मिलता नहीं है, फिर उनको ज़्यादा टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, बच्चों की तरफ देखो, खाना पकाओ, फिर घर की टेंशन ले लो, तो उनको कुछ ना कुछ बॉडी दर्द होता है। और उससे उनको सेकेंडरी फायदा ये मिला कि बॉडी दर्द हो रहा तब भी ठीक नहीं, तो उनको बाहर जाना मिलता है, बाहर निकलने को एक मौका मिलता है, हॉस्पिटल जाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादातर इनकी लाइन लगती है और वहाँ 2-3 घंटे भी लग जाते हैं, तो उनको अच्छा ही है क्योंकि उनको बाहर जाने का उस समय मौका मिला, लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। और मालूम पड़ा फिर रिसर्च में कि ये महिलाएं अच्छी जल्दी हुई भी नहीं, क्योंकि उनको उसके सेकेंडरी इफेक्ट हो रहे थे, फायदे मिल रहे थे। तो ऑप्रेस्ड होना, दबोच जाना, मन के विचार बाहर नहीं लाना, टेंशन, चिंता, घबराहट, डर, इससे पूरे बॉडी के मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं, और ज़्यादा समय तक टाइट रहे तो डेफिनेटली दर्द चालू हो जाता है। समझो मैंने ये मोबाइल ऐसा हाथ में पकड़ लिया और जोर से पकड़ लेना, ऐसा रखा आती है, ऐसा टाइट करके रख दिया, क्या होगा, आधे घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में मेरा हाथ दर्द करने लगेगा क्योंकि वो टाइट पकड़ के रखा हुआ है। जब स्ट्रेस होता है तो इसके साथ साथ मुंह सूख जाता है, वैसे ही लोगों का, उन लोगों के बाल भी झड़ जाते हैं, हेयर लॉस भी होता है स्ट्रेस की वजह से। सिर दर्द तो नॉर्मल है होना, सीने में धड़कन होना, हार्ट अटैक आना ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो, और पेट विकार हो जाना, उसमें एसिडिटी, उल्टियाँ होना, पचन नहीं होना, पेट फूल जाना, लैट्रिन को ज़्यादा लगना, ऐसे पेट विकार भी स्ट्रेस वाले लोगों में दिखते हैं। मिलियम ये देख रहे थे कि बॉडी में दर्द होना और क्रॉनिक है, उनकी जब नींद पूरी हो जाती है तो उनको अच्छा लगता है क्योंकि नींद में एकदम बॉडी रिलैक्स्ड है, सुबह उठे तो अच्छा लगता है और बाद में जैसे जैसे दिन निकलते जाता है आगे आगे, वैसा वैसा उनका बदन में दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि टेंशन शुरू हो जाता है। तो इनका इलाज कैसे करना, तो ये कहे कि भाई तनाव जो है वो बाहर नहीं है, तनाव अंदर है, सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, सिचुएशन को आप कैसे देखते हो और उसको कैसे रिएक्ट करते हो उसके ऊपर स्ट्रेस है। तो दिमाग अपना जो उसको ट्रांसफॉर्म करो। नंबर 2, खाना पीना टाइम टाइम पे रखो। नंबर 3, नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, सम्मोहन उपचार करो, सम्मोहन हिप्नोसिस सीखो। नंबर 5, मेडिटेशन करो। तो ये सब करते तो डेफिनेटली फायदा होगा। उसके साथ साथ यदि आप रेगुलरली मेडिटेशन और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं हरदम के लिए और अपने बॉडी को रिलैक्स रखते हैं तो ये बदन दर्द जो होगा नहीं। बहुत लोगों का ऐसा होगा कि उनको हमने सिर्फ आते हैं बाकी कुछ मानने को तैयार रहते नहीं, बोलते नहीं नहीं बहुत दर्द हो रहा है आप दवाई दे दो, दवाई दे दो। तो कुछ लोगों को मुझे दवाई लिखनी पड़ती है, हम उनको एंटी डिप्रेशन देते हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन देते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब तुमने चमत्कार कर दिया, 15 दिन में तो हमारा सब दर्द ही खत्म हो गया, बॉडी का दर्द, हेडेक, सब खत्म हो गया। प्रॉबेबली उनको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर थी या डिप्रेशन था और जिसके वजह से उनको ये बॉडी में दर्द हो रहा था। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी बॉडी दर्द के चैनल के थ्रू
प्रेजेंटेशन हो सकता है, और उसको यदि हम ट्रीट करते हैं एंटी डिप्रेसेंट से तो उसको फायदा होता रहता है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।